Hi. Atul bhai, I am currently with Shri Atul bhai Ganatra, the president of Cotton Association of India. Atul bhai, cotton conclave ke bare mein aapke views kuch share kijiye. Last year aapko kaisa raha experience attend karne mein? Ji, last year ka experience bahut acha raha. Kafi kuch knowledge mila, kafi kuch seed ke manufacturers aaye the, kisan log, farmers aaye the, to unke paas se bahut jankari mila. तो लास्ट ईयर जो आपने श्वेत पत्र बनाया जी, तो वो बहुत अच्छा था और मेरे को लगता है कि उससे गवर्नमेंट को काफ़ी सारी डिटेल आपके द्वारा मिली होगी. उसमें जैसे डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम का, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जो आपने सबसे पूछ के एक वाइट पेपर श्वेत पत्र जो बनाया था, उसमें मेरे हिसाब से जो मैंने सजेशन दिया था कि आपने पूछा था कि फार्मर्स की ईल्ड बढ़ानी है, फार्मर्स को कॉटन के ग्रोइंग करने के लिए अट्रैक्ट करना है तो क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि तीन चीज़ करना बहुत ज़रूरी है. एक तो गवर्नमेंट जो है वो एकदम अच्छा सीड प्रोवाइड करे फार्मर को, दूसरा वाटर और इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे सप्लाई मिले तो कॉटन की उत्पादनता बढ़ सकती है. तीसरा, मैंने आपको तभी सुझाव दिया था कि कॉटन की एमएसपी भी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्पिनिंग मिल लॉबी का कि क्या भी कुछ प्रेशर आया और आपने वो श्वेत पत्र से, मैं तो सेकंड हाफ में नहीं था, मगर आपने वो निकाल दिया तो ठीक है. मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा था कि 2010 में कॉटन के कपास के भाव थे 6,000 रुपया और आज 2017 में कॉटन बिका 4,400 रुपया, तो कैसे फार्मर 7 साल के बाद उसको जो पहले रेट थे उससे भी कम रेट मिल रहा है, तो वो कैसे कॉटन की ग्रोइंग करेगा. तो इसलिए मैंने सुझाव दिया था जो स्पिनिंग मिल के लिए भी अच्छा है, अगर कॉटन की ग्रोइंग एरिया बढ़ेगा, कॉटन ज़्यादा होगा इंडिया में तो स्पिनिंग मिल को भी फ़ायदा होगा, तो इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि एमएसपी बढ़ाए. और प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंच गई और उन्होंने जो लास्ट जून महीने में एमएसपी बढ़ाई, उसमें कॉटन में 25%+ की एमएसपी बढ़ाई, उसका फ़ायदा हमें आगे जाके देखने को मिलेगा. बाकी जो आपका कार्यक्रम था वो बहुत अच्छा कार्यक्रम था जी. अतुल भाई धन्यवाद. क्या हुआ था कि लास्ट ईयर पे लास्ट में हमने मेजॉरिटी लिया था सभी पॉइंट्स के ऊपर जी, जी. पर अनलकीली एमएसपी के ऊपर हमें मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी, पर आपका सुझाव मोस्ट वेलकम था जी. और हमने देखा कि वो साकार भी हुआ फार्मर के हित में जी. तो ऐसे ही सुझाव आपसे अपेक्षित है जी. के जो बोल्ड हो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और सभी के हित में हो जी. तो इस साल आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? इस साल मैं चाहता हूं कि जैसे आपने अभी जो 26 तारीख को प्रोग्राम रखा है, इस साल हमारे इंडिया में बिकॉज ऑफ ड्रॉट क्रॉप बहुत, इंडियन क्रॉप साइज बहुत कम हुआ है जी. और हमारा जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसमें हमारी वर्किंग स्टाइल हमने एकदम चेंज कर दी है. अभी हमारे एसोसिएशन के क्रॉप कमेटी में 33 मेंबर्स हैं जी. जो हर एक स्टेट से, 10 ग्रोइंग स्टेट है, हर एक स्टेट से 2-3 रिप्रेजेंटेटिव है और मैक्सिमम हम नॉर्थ एसोसिएशन, कर्नाटका एसोसिएशन, महाराष्ट्र एसोसिएशन, तेलंगाना एसोसिएशन, इनके ही क्रॉप के फिगर्स और अराइवल्स के फिगर लेते हैं जी. और ये सारे एसोसिएशन है वो जीनर से डाटा कलेक्ट करते हैं. तो जब जीनर से डाटा कलेक्ट होता है प्रेसिंग का, तो उनके अराइवल्स के फिगर में और उनके क्रॉप के फिगर में मिस्टेक होने का कोई सवाल नहीं है. इसलिए जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिवाइज क्रॉप के फिगर रखे हैं 321 लाख बेल्स का, वो बहुत सही एस्टीमेट है. और आज दूसरे जो स्पिनिंग मिल के एसोसिएशन है उनके एस्टीमेट हमारे से नहीं मिल रहे, उनके एस्टीमेट्स हमारे से 20 लाख-25 लाख बेल्स के ज़्यादा हैं. तो मैं चाहता हूँ जो आप 26 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें फार्मर्स का व्यू लेवें, जीनर्स का व्यू लेवें
और एक आप जैसे हमने हमारे कॉटन एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 7 मार्च को, तो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 250 पीपल जो कॉन्फ्रेंस में सेकंड डे भी अवेलेबल थे, तो हमने उनको वोटिंग मशीन दे दिया और हमने उनको क्वेश्चन पूछा कि वो आपका हिसाब से क्रॉप, इंडियन क्रॉप का साइज़ क्या है, और 243 पीपल्स जिसमें एक्सपोर्टर, जीनर्स, ट्रेडर्स, ब्रोकर्स और एमएनसी सारे शामिल थे वोटिंग में, सबका वोटिंग मिला तो वो वोट परसेंटेज उसमें क्रॉप फाइनल हुआ कि 325 लाख बेल्स का क्रॉप आएगा। तो ऐसा मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ ऐसा करें कि जिससे ये जो प्रॉब्लम है, हर एक संस्था अलग अलग फिगर देती है, तो वी कम टूगेदर एंड वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम के भाई एक्चुअली क्रॉप कम है और फार्मर्स, और जब आप सब सीड, आप तो सीड मैन्युफैक्चरर उसको भी बुलाया है, सबको बुलाया है, तो वो हमारे फार्मर पार्टनर हैं, आपके पार्टनर हैं, तो सिटी वाले भी आने वाले हैं, सारे आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो सही, अगर वो सोचेंगे कि ये क्रॉप साइज़ करेक्ट है, तो स्पिनिंग मिल्स को ही फ़ायदा होने वाला है, वो करेक्ट टाइम पे कॉटन ले सकते हैं और उनकी मिलों को वो करेक्ट एडवाइस कर सकते हैं। तो हमें कोई क्रॉप कम दिखा के हमें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो ये मैं चाहता हूँ कि ये आने वाली कॉन्फ्रेंस में ये अगर होवे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं हमारे CAI के 500 मेंबर हैं, मैं सबको बोलूँगा और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ये 26 तारीख के आपके प्रोग्राम अटेंड करें तो अच्छा है, काफ़ी नॉलेज मिलता है। और जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें दूसरी कॉन्फ्रेंस में फार्मर्स के और सीड वगैरह पार्टियों के व्यूज़ नहीं मालूम पड़ते हैं, वो इसमें मालूम पड़ जाएंगे, तो वो एक बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। जी, और मैं इसके लिए मैं तो अटेंड कर ही रहा हूँ, और मैं आपको ये इतना अच्छा समारंभ योजना करने के लिए मैं मनीष भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। और ये आप साल में एक बार करते हैं, मैं समझता हूँ आपको साल में 2 बार ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए। जी, आपका साथ और आशीर्वाद होगा। जी, थैंक यू वेरी मच।